हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए मैंगो रसमलाई केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और जो हमने इसका केक का स्पॉन्ज तैयार किया है वो एकदम परफेक्ट बना है, वो भी बिना ओवन के। और आप इसे घर पर रखे कुछ सामान से ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मैंगो रसमलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप ताज़ा दही ले लेंगे। अगर दही हल्का सा भी खट्टा है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं। साथ ही इसमें आधा कप पाउडर शुगर डाल देंगे। पाउडर शुगर यानी नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर जार में पीस कर आप बना सकते हैं। साथ ही इसमें 1/4 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल ऐसा लें जिसमें कोई बहुत तेज स्मेल ना हो, या फिर आप इसकी जगह आधा कप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल एक सार नहीं हो जाता, यानी तीनों ही चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। अब हम इसमें 1 कप बारीक सूजी डाल देंगे। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे ग्राइंडर जार में पीस कर बारीक भी कर सकते हैं। और इन सबको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, आप मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जो दही थी वो थोड़ी सी पतली थी, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी है। अगर आपका ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो आप इस समय इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसे रख सकते हैं। और अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। और अब मैंने ये 1 इंच का केक टिन लिया है, आप घर के स्टील के डिब्बे में भी ये केक बना सकते हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो इस केक टिन के अंदर आप बटर पेपर लगा दीजिए। और अगर बटर पेपर नहीं है तो इस तरीके का नॉर्मल वाइट पेपर को केक टिन के साइज़ का इस तरीके से काट लीजिए सर्कल में। और अब हम केक टिन को पहले ऑयल से ब्रश कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम ये पेपर लगा देंगे और इसके ऊपर फिर से हम ऑयल ब्रश कर देंगे। ऐसा करने से ये जो नॉर्मल पेपर है ये बिल्कुल बटर पेपर जैसा ही काम करेगा, यानी आपके केक को नीचे से जलने नहीं देगा। और आज हम इस केक को बिना ओवन के बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर ये भारी तले का पैन लिया है। आप चाहें तो कढ़ाई या कोई पतीला भी ले सकते हैं। और इसे गैस पर रख देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे, जैसे हम अपने ओवन को प्री हीट करते हैं। और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए। और पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम सूजी यानी केक के बैटर को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया क्योंकि इसमें सूजी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। जो दूध है वो नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल ना हो। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए, इस समय ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया था, इसमें आधा कप से भी कम दूध लगा है, यानी इसमें तकरीबन 1/3 कप दूध का हमने यूज़ किया है। अब हम इसमें 3 से 4 बूंद पाइनएप्पल एसेंस की डाल देंगे। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, और साथ ही 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा या जिसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसमें डाल देंगे। और इसे हल्के हाथों से अब हम मिक्स कर लेंगे, और इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। और ये देखिए, ये हमारा केक बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने ये केक टिन लिया है और इसमें ये केक बैटर हम डाल देंगे, और इसे 2 से 3 बार इस तरीके से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। और अब गार्निश के लिए मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाल रही हूँ। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, या फिर आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं। और इधर हमारा पैन भी देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसमें ये वायर रैक रख रही हूँ, आप चाहें तो कोई कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर मैं ये केक टिन रख दूंगी और इसे ढक देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, यानी बिल्कुल जो भी आपका लोवेस्ट फ्लेम हो आप उस पर इसे रखें। और तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे इसी तरह से। और जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम इसके लिए जल्दी से मैंगो रबड़ी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन में 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है, और अब हम इसे गैस पर रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से आधा नहीं रह जाता। और इसके किनारों पर भी जो मलाई जम जाती है उसे भी हम स्क्रेप करते हुए बीच में ही डालते जाएंगे। और ये दूध अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से आधा हो चुका है, तो मैं इसमें 1/4 कप यानी 4 चम्मच चीनी डाल दूंगी। साथ ही फ्लेवर के लिए 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, और इसे वापस एक बार अच्छे से मिक्स करके बस इसमें एक उबाल आने देंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आ चुका है तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अब हम इसे गैस से नीचे उतार देंगे। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, जैसे ही ये ठंडा हो चुका है तो पहले से काफ़ी गाढ़ा भी लग रहा है। तो बस अब ये रबड़ी तैयार हो चुकी है। और अब मैंने यहाँ पर ये 1 कप कटे हुए आम लिए हैं, इसे मैं इस ब्लेंडिंग जार में डाल दूंगी और इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लूंगी, यानी बिना पानी बिना दूध के हमने इसे देखिए ग्राइंड कर लिया है। साथ ही इसमें ये तैयार की हुई रबड़ी डाल देंगे और इन सबको एक बार फिर से हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी मैंगो रबड़ी बनकर तैयार है। मैं इसे इस बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना टेस्टी लग रहा है अभी से। और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और एक आम के पीस को मैं इस तरीके से स्लाइसेस में काट रही हूँ पतले पतले, जिसे हम बाद में गार्निश में यूज़ करेंगे।
पूरे 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल बीच में हम टूथपिक डालकर चेक करेंगे। तो ये देखिए, जो टूथपिक है हल्की सी गीली बाहर निकली है, यानी इसके ऊपर हल्का सा केक बैटर लगा हुआ है, केक पूरी तरह बेक नहीं हुआ है। तो अब हम इसे फिर से ढक देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर ही फिर से पकने देंगे। और ये देखिए, पूरे 15 मिनट बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। ये देखिए, अगर मैं टूथपिक इस तरह से डालकर चेक करती हूँ तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आ रही है। इट मीन्स हमारा जो केक है अच्छे से बेक हो चुका है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद पहले हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है तो इस तरह से पहले इसके किनारे छुड़ा लेंगे और फिर इस तरह से प्लेट इसके ऊपर रखकर इसे इस तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा केक कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया बेक हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और ये आप पास से देखिए, जो केक में कितनी अच्छी से जाली बनी है, यानी जो केक का स्पॉन्ज है वो परफेक्टली बेक हुआ है। इस तरीके से पूरे केक को हम टूथपिक से प्रिक कर देंगे ताकि जब हम इसके ऊपर मैंगो रबड़ी डालेंगे तो वो इसके अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अब हम इसके ऊपर तैयार की हुई मैंगो रबड़ी डाल देंगे। मैंगो रबड़ी आप अपनी श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं, यानी आप इसमें जितनी चाहें डाल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार है। और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि जो रबड़ी है इसके अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और 1 घंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसे इस तरीके से आम के पीसेस से गार्निश कर दूंगी और साथ ही थोड़े से ऊपर कटे हुए पिस्ता, काजू और साथ ही टूटी फ्रूटी से गार्निश कर देंगे। और लीजिए, हमारा मैंगो रसमलाई केक बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अब इसे जल्दी से टेस्ट किया जाए। इसके ऊपर भी हम इस तरीके से आम और दूध का ये मिक्सचर डाल देंगे। मैंगो रसमलाई केक बहुत ही बढ़िया, सॉफ्ट, स्पॉन्जी और एकदम टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए।